हेलो गाइस, दिस इज रेन फ्रॉम bkwebtech.com। और फ्रेंड्स, आप सीख रहे हैं Adobe After Effects और ये आपका लेसन थर्ड है। और आज के इस लेसन में सीखेंगे कि शेप टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शेप कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करवा सकते हैं और कैसे उसको एनिमेट कर सकते हैं। हालांकि एनिमेशन हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे, बट आज के इस एपिसोड में हम शेप टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं। तो कंपोजिशन पे जाएंगे और न्यू कंपोजिशन लेते हैं और इसका नाम जो रखते हैं वो मेन देते हैं। और आप प्रीसेट कुछ भी दे सकते हैं, हमने 1280 और 720p दिया हुआ है और जो फ्रेम रेट है हमारा 29 यानी कि 30 लिया हुआ है, तो जाके हमारा 29.797 आ जाता है। और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, आप वाइट करना चाहें या कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको ऐसे ही बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में इसको बाद में हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे और इसका सॉलिड लेते हैं, सॉलिड कलर लेते हैं और इसको हम दे देते हैं बीजी, क्योंकि हम बैकग्राउंड उसका जो बाय डिफॉल्ट है वही रखते हैं। और इसके बाद में हम अलग से इसको बीजी देने के लिए हम सॉलिड का यूज करते हैं और बीजी इसका नाम दिया। और यहाँ पे कलर जो है वो वाइट लेते हैं, देन ओके कर देते हैं। तो आप देखिए, बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि आप ये इधर उधर हो सकता है आपका, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लॉक कर देते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं लॉक टूल है, जिसके सामने जो आपका चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ये लॉक हो जाएगा, अब इधर उधर आपका ये नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको टूल्स यूज करना है सेफ टूल्स, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपका टूल बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे अपना माउस का लेफ्ट बटन तो यहाँ पे सारे टूल्स आ जाएंगे। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल टूल हमें यूज करना है तो आप रेक्टेंगल टूल का भी यूज कर सकते हैं ऐसे, देखिए ना, तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। फिर उसको आप अपने अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, है ना, कलर चेंज कर सकते हैं। बट ये देखिए, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट यही चीज मैं आपको यूज करने के लिए एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ से ना करके, अगर आपको अच्छा लगे ये तो आप यहाँ से भी टूल्स का यूज कर सकते हैं। बट आपको मैं बताना चाहूंगा जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, आप यहाँ से करिए, अपने प्रोजेक्ट पे आइए, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आने के बाद में शेप लेयर पे क्लिक करेंगे और इसका आपको जो भी शेप लेना है उसका नाम दे दीजिए। जैसे कि हम इसको रीनेम करते हैं और इसका नाम दे रहे हैं, सबसे पहले हम सर्किल यूज करेंगे तो सर्किल देते हैं, ठीक है, सर्किल यूज करना है। और यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में एड ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे हम सर्किल यानी इलिप्स इक्वल होता है तो हम यहाँ पे इलिप्स ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपका बन चुका है ये, अब इसलिए इसको ओपन करेंगे और इसका साइज हम छोटा बड़ा करेंगे थोड़ा सा, ये देखिए जितना भी हम लेना चाहें इसका साइज उतना साइज कर सकते हैं। और इसकी पोजीशन यानी इधर उधर करना पोजीशन से कर सकते हैं, बट हमें पोजीशन से कोई मतलब नहीं। बट अब देखिए, हम कहीं पे और क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो हमने इलिप्स बनाया हुआ है वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, चूंकि उसमें अभी मैंने ना कलर दिया है ना आउटलाइन दिए, वो ब्लैंक है, इसी वजह से वो हमारा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से सेलेक्ट करेंगे और ऐड ऑप्शन पे आएंगे और ऐड ऑप्शन पे आने के बाद में आप यहाँ पे स्ट्रोक पे आएंगे। स्ट्रोक देना चाहते हैं यानी आउटलाइन देना चाहते हैं तो स्ट्रोक यूज करिए, अगर फिल करना चाहते हैं तो उसको फिल पे, अगर आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट, अगर ग्रेडियंट स्ट्रोक देना चाहते हैं तो ये यूज करिए। सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, तो हम इसको अभी स्ट्रोक यूज करेंगे। और अभी देखिए, फिर से क्लिक करेंगे तो अभी भी स्ट्रोक नहीं आया, क्यों, क्योंकि स्ट्रोक तो हमने दे दिया बट स्ट्रोक में जो कलर है इसका, आप यहाँ पे स्ट्रोक को ओपन करेंगे तो कलर जो है उसका व्हाइट है, इसी वजह से नहीं आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और इसका कलर हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट मैंने येलो ले लिया या ब्लू ले लिया मान लीजिए, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि। तो अब हमने ब्लू किया और इसकी विड्थ यानी कि इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है इसको बढ़ा सकते हैं, आप ऐसे करके ज्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए, आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपका ये शेप टूल आपका रेडी हो चुका है, ये दिखाई पड़ेगा, बाकी सारी चीजें हम क्लोज कर देते हैं। सो देखिए, आपका जो इलिप्स था वो लगभग हो चुका है रेडी सर्किल। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद में हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से आप लॉक करना चाहते लॉक कर सकते, ताकि आपका ये इधर उधर न जाए, ये ऐसे इधर उधर भगेगा, बट आप जब लॉक कर देंगे जैसे कि मैंने बीजी बताया था, तो आपका ये कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पे स्थिर रहेगा। और इसको हम थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं, आई जो आइकन है आप इस पर क्लोज करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपका डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि हमारा रहेगा मौजूद रहेगा, बट हम अब दूसरी चीज लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल लेना है, तो फिर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद में आप शेप लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर इसको रीनेम करते हैं हम। रीनेम करने के बाद में इसको रेक्टेंगल लेना है तो रेक्टेंगल लेते हैं और फिर यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में ऐड पे जाते हैं, ऐड पे आने के बाद में रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे रेक्टेंगल आपका आ जाता है, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे। और इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है,
यहाँ पे बहुत से पोजीशन अगर देना चाहते हैं इसको, राउंडनेस बढ़ाना चाहते हैं, राउंड करना चाहते हैं, तो ये देखिए आप यहाँ से जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी टूल यूज करना चाहते हैं, बट सेम वही काम इसमें भी करना होगा कि इसका भी कलर देना होगा। तो इसके लिए हम फिर ऐड पे जाएंगे, और ऐड पे जाने के बाद में हम इसमें स्ट्रोक देंगे अगर स्ट्रोक देना चाहते हैं, फिर स्ट्रोक वाली लेयर ओपन करेंगे और फिर इसमें भी कलर देंगे। इसमें रेड दे दिया मैंने, इसकी भी थोड़ी बढ़ा दी, हाँ, तो ऐसे करके दे सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको भी हम अब दोनों देखना चाहें तो ये देखिए दोनों आपके सेव रेडी हो चुके हैं। और इनमें एनिमेशन कैसे देना है ये नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे, और काफी अच्छा और काफी बेहतरीन नेक्स्ट एपिसोड रहेगा। यहाँ पे तो सिर्फ हमने सेव कैसे इंसर्ट करने हैं उससे बात की, और इसके बाद में हम लोग यूट्यूब का वीडियो का इंट्रो कैसे रेडी करना है, कोई भी वीडियो है उसका इंट्रो कैसे रेडी करना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। और इन सेव सेव एनिमेशन के बाद में हम लोग बहुत ही एडवांस इफेक्ट सीखेंगे जो आप मूवीज में देखते हैं, मूवीज का इंट्रो होता है, फिर उसके बाद में जैसे कि आप कोई मिरेकल्स दिखाए जाते हैं, जादू दिखाए जाते हैं, वो कैसे दिखाए जाते हैं, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन ये सब आने वाले एपिसोड्स में होंगे, बट आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।